आज मैं आप सभी के लिए ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो बच्चे और बड़े सभी के लिए बहुत ही हेल्दी है। जैसा कि आजकल बच्चे अक्सर लैपटॉप पे काम करते हैं, फ़ोन पर करते हैं, तो क्या है उनके सर में बहुत दर्द रहता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, चश्मा चढ़ जाता है या फिर उन्हें माइग्रेन होने लगता है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु गुप्ता कुकी ट्रिपिट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की जो हम रेमेडी के लिए सबसे पहले ले रहे हैं यहाँ पर बादाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बादाम हमारी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करता है। बादाम खाने से हमारी स्किन और बाल दोनों ही हेल्दी रहते हैं, साथ बच्चों के दिमाग को तेज करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और मेमोरी को भी तेज करता है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, और मैग्नीशियम भी इसमें होता है। ये बालों को भी बहुत अच्छा रखता है। ये हमारी स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। बादाम बच्चों की मेमोरी को भी बढ़ाता है। तो बादाम आज हम इसमें जो यूज़ कर रहे हैं ये 4 लोगों के लिए बना रहे हैं और हम 8 से 10 बादाम इसमें लेंगे। तो हम 2 तरीके से इसको बनाएंगे कि आप इसका पाउडर भी बना कर रख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ वो है मस्क मेलन सीड्स, खरबूजे के बीज। तो ये जो खरबूजे के बीज होते हैं ये बहुत हेल्दी होते हैं। ये हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसा कि सर में दर्द होता है, माइग्रेन है या फिर स्ट्रेस के कारण किसी को सर में दर्द है, तो उसमें ये बहुत अच्छे रहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी इसमें होता है। तो ये बहुत अच्छे रहते हैं माइग्रेन के लिए, स्ट्रेस के लिए। तो खरबूजे के बीज हम लेंगे। यहाँ पर किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी लेनी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ खसखस। जैसा कि आप सभी खसखस के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छी होती है, स्ट्रेस को दूर करती है, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती है और मस्तिष्क को, दिमाग को भी तेज करती है, मेमोरी को भी खसखस बढ़ाने में हेल्प करती है। सर दर्द है, पेन किलर का काम करती है एक तरीके से, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी रहती है खसखस। तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं काली मिर्च। तो काली मिर्च आंखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत अच्छी है। काली मिर्च एक पेन किलर का भी काम करती है। जैसे सर में दर्द है तो आप 2 काली मिर्च लें तो आपको सर में दर्द में बहुत आराम मिलेगा। तो इसीलिए आज इस ड्रिंक में हम काली मिर्च का भी यूज़ कर रहे हैं। माइग्रेन के लिए, सर दर्द के लिए, आँखों की रोशनी के लिए काली मिर्च बहुत अच्छी है। अगर हम काली मिर्च की जगह पर सफ़ेद मिर्च लेते हैं तो वो और भी हेल्दी होती हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ मुनक्का। ये ड्राई जो अंगूर होते हैं उसको बनाया जाता है। तो अगर छोटे अंगूर है तो उसको हम किशमिश कहते हैं और बड़े अंगूर होते हैं जिसको सुखाते हैं तो मुनक्का। ये पेट की जो बीमारियां होती हैं ना, जैसे कब्ज रहती है या कमजोरी रहती है, आपको थकान रहती है, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मुनक्का हम 4 से 5 यूज़ करेंगे यहाँ पर एक मेम्बर के लिए। अगर आप ज़्यादा के लिए बना रहे हैं तो उसकी क्वान्टिटी उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 लोगों के लिए ये ड्रिंक तैयार करूँगी। तो अगर आपको पेट की कोई भी बीमारी है, थकान है, कमजोरी है, तो उसमें आप मुनक्का यूज कर सकते हैं। तो ये 5 चीजों से आज हम ये ड्रिंक बनाने वाले हैं। इसको कैसे बनाना है आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, कितनी क्वांटिटी इसकी लेनी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेमेडी है, मैं अक्सर घर में इसे यूज़ करती हूँ, अपने बच्चों को देती हूँ, इसीलिए मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। मैंने बचपन से इसको लिया है, मैं दादी मेरी ये बनाया करती थी। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच ले रही हूँ खरबूजे के बीज। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको ड्राई पाउडर इसका बना के रखना है ना, तो वो किस तरह से बनाना है तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखें। दूसरी चीज, मैंने यहाँ पर जैसे लिए काली मिर्च, तो 8 से 10 दाने में काली मिर्च के डाल रही हूँ। अगर इसकी जगह पर आप सफ़ेद मिर्च लेते हैं तो वो आंखों की रोशनी के लिए ज़्यादा बेटर होती हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ दाने सफ़ेद मिर्च के भी डालती हूँ। तो देखिए, ये इस तरह से काली मिर्च और ये होती है सफ़ेद मिर्च, बहुत ईजीली मिल जाती है। और लेकिन ये क्या होता है, काली मिर्च से ज़्यादा तीखी होती है, तो इसीलिए सफ़ेद मिर्च की क्वांटिटी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कम रखनी होगी काली मिर्च के। तो मैं यहाँ पर 4 से 5 दाने सफ़ेद मिर्च के डाल देती हूँ। अब तीसरी चीज हम यहाँ पर ले रहे हैं खसखस। तो मैं यहाँ 2 चम्मच खसखस ले रही हूँ।
आप इसे 10 से 15 दिन के लिए ड्राई पाउडर भी बनाकर रख सकते हैं। उसके लिए हमें सभी चीजें सूखी लेनी होंगी। जैसे हमने अभी मुनक्का यूज कर रहे हैं क्योंकि मैं इसे तुरंत में बना रही हूँ, तो जो ड्राई पाउडर बनाएंगे आप तो उसमें मुनक्का नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मुनक्के के अंदर क्या है ना, छोटा छोटा बीज होता है और मुनक्के को, उस बीज को तो हम निकाल देंगे और साथ ही यूज करने से पहले मुनक्के को अच्छे से पानी में धो लेंगे, तो इसीलिए हम इसे ड्राई पाउडर में नहीं डाल सकते। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर 6 से 7 मुनक्के डाल दिए हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे बादाम। तो अगर आप ड्राई पाउडर बना रहे हैं तो इस तरह से आप सूखे बादाम ले सकते हैं, उसका पाउडर बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर तुरंत बना रही हूँ तो बादाम को मैंने रात में पानी में भिगो दिया था। तो यहाँ पर मैं 8 से 10 बादाम यूज कर रही हूँ। अगर आप ड्राई पाउडर बनाकर रखना चाह रहे हैं तो आप सूखे बादाम यूज करें, उसका पाउडर बन जाएगा। लेकिन मैं तुरंत बना रही हूँ इसलिए मैंने बादाम को भिगो कर यूज किया है, क्योंकि इस तरह भिगोने से ना बादाम और भी ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो भिगे हुए बादाम अगर हम सुबह में लेते हैं तो कहते हैं ना याददाश्त अच्छी होती है, मेमोरी तेज होती है, और साथ ही आंखों की रोशनी बढ़ाने में, सर दर्द में, दिमाग को तेज करने में बादाम बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो ये सभी चीजें जो हमने अभी बोल में डाली थी ये मिक्सर जार में डालकर हम इसे पीस लेंगे। तो ड्राई अगर आप पीस रहे हैं तो ड्राई पाउडर बना लें, उसमें मिल्क डालने की आपको जरूरत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मिल्क भी इसके अंदर डाल रही हूँ, बहुत ही इजीली ये पिस जाए जिससे कि। तो ये देखिए इस तरह से पिस गया है। तो बस अब हमें इसका दूध कैसे तैयार करना है वो हम तैयार कर लेते हैं। अगर आप ड्राई पाउडर बना रहे हैं तो पाउडर बनाकर आप उसे 10 दिन फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। डेली आप 1 चम्मच पाउडर से आप दूध तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पैन गरम किया है, उसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है। आप घी को अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो आप घी ना भी डालें तो भी चलेगा। बिना घी भी केवल दूध में मिलाकर इसको उबाल लें। तो मैं यहाँ पर घी में अच्छे से भून रही हूँ। बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो स्पेशली घी जरूर डालें, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रहता है। तो इसे बहुत हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दूध। तो 2 गिलास 3 गिलास जितना भी आप बना रहे हैं उतना दूध आप इसमें डाल दें। तो अगर आप डेली मॉर्निंग में बच्चों को 1 कप भी इसे देते हैं तो आप खुद नोटिस करेंगे कि उनको आंखों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती जा रही हैं, सर दर्द रहता है, थकान बहुत जल्दी हो जाती है पढ़ते पढ़ते, या फिर मसल्स वीक हैं बच्चों की तो भी आप ले सकते हैं। मैं अक्सर इसलिए लेती हूँ, मेरी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक थी तो मैंने ये बहुत ज़्यादा इसको पिया है। मैं अक्सर बच्चों को भी देती हूँ डेली। विंटर्स में तो हम अक्सर इसे यूज करते ही हैं, आप गर्मियों में भी यूज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है बादाम को उस समय भिगोकर ही यूज करें। तो मैं आपको बता रही हूँ अगर आप पाउडर बना रहे हैं तो मुनक्के को आप इस तरह से बाद में काट कर डाल सकते हैं इस दूध में, क्योंकि ये पेट की बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, पाचन शक्ति को बहुत अच्छा बना देता है। अब मैं यहाँ लास्ट में मीठे के लिए डाल रही हूँ मिश्री। तो मैंने मिश्री का पाउडर बना के रखा हुआ है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिश्री इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप कुछ भी मीठा ना डालें, प्लेन भी ले लें, ये बहुत टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये आज की रेमेडी पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो जब दूध में उबाल आ चुका था तो मैंने उसको गैस से नीचे उतार लिया है, गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें। तो 1 कप दें, आधा ग्लास दें, तो जितना भी आप पी सकते हैं आप इसकी क्वांटिटी ले सकते हैं। तो आप मॉर्निंग में लें, आप रात में भी इसको ले सकते हैं, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, किसी भी उम्र दराज के लोग इसे पी सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी है। और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। तो आप जब डेली यूज करेंगे तो आप खुद मुझे बताएंगे कि हाँ आपको इससे बहुत फायदा हुआ है, थकान महसूस नहीं होती है और आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, कमजोरी बिल्कुल नहीं होती है। तो चलिए आप इस तरह इसकी बहुत सारी रेमेडी मेरे चैनल पर है तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं, लिंक मैं उन सबके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और नई रेसिपी के साथ।